इसने पहली बार थैंक यू वाले नोट्स लगाए अपनी मम्मी के लिए, मेरे लिए, भैया के लिए, दीदी के लिए, तो हमें लगा कि ये क्या है, दीवार गंदी कर रही है। तो मैंने कहा बेटा ऐसा क्यों कर रही है? कह रहे पापा हमें स्कूल में हमारे में अपने प्रोग्राम चल रहा है और उन्होंने बोला कि हर एक जन को थैंक यू बोलना है। पहले किसी हर एक बात में जिद करती थी कि मुझे आज ये चाहिए तो चाहिए, तो हम लोग बड़े परेशान रहते थे कि मैं इसको कहाँ से ला के दें। कभी कभी पैसे होते थे घर में, कभी नहीं होते थे। मतलब एक टाइम मुझे बैग चाहिए था, मैं मम्मी से रोज़ बोलती थी मुझे आज नया बैग ला के देना है, मुझे आज नया बैग। मम्मी बोलती थी लेके आएंगे, अभी तो बहुत सारा इसने बहुत अच्छा कुछ बताया इसमें, अभी इसे और दिन चला सकते हैं। मैं रोज़ मम्मी से जाकर जिद करती थी, मम्मी मुझे बैग चाहिए, मुझे बैग चाहिए। उसको कई सारी कहानी सुनाई, लेकिन एक बड़े आदमी की कहानी उसने सुनाई, तो उसे कई बार सुना चुकी है, लेकिन उसे बहुत अच्छा सुन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बड़ा आदमी किसे मानते हो आप? हम ऐसे करते उस लड़की की तरह कि मम्मी पापा पर ध्यान ही नहीं देते कभी, कि हम समझते कि वो उनकी ड्यूटी है, मतलब हमें खाना खिलाते हैं, हम ये सब करते हैं, मतलब स्कूल भेजते हैं, ये सब उनकी ड्यूटी है और कुछ नहीं है। नहीं, ये उनकी ड्यूटी नहीं है, बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स पे, और पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए बच्चों पे। पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, और हम उन्हें एक छोटा सा थैंक यू नहीं बोल सकते, तो हम किस बात के बच्चे हैं? मैम एक्चुअली सभी बच्चे, सबको ये लगा था कि हमने भी आज तक ध्यान नहीं दिया, पेरेंट्स के ऊपर अपनी डिमांड्स थोपते गए हैं। तो जैसे जैसे उन्होंने रियलाइज़ किया, वो सब आज भी जैसे एक बच्ची रोने लगी थी ऐसे ही रोने लग गए थे। उस दिन तो पूरी क्लास रो रही थी, और अब मैं जब चुप कराते कराते मुझे भी रोना आ रहा था। काश मेरा बेटा इस क्लास में होता, वो सुनता, वो देखता, तो शायद वो भी मेरे लिए कुछ फील करता। कौन उसको कौन कराएगा ये फीलिंग? कहाँ से टीचर आएगा जो उसे फील कराए? मैम हैप्पीनेस क्लास में हम पहले जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, पहले ये उनको एहसास दिलाते हैं कि मैं आपकी हूँ और पेरेंट्स आपके हैं। तो हम तीन जो अलग अलग होते हैं, हम तीनों अलग नहीं, अब एक हो गए हैं। क्योंकि जब ये स्टोरी जब सुनाई जा रही थी, तो उनको ऐसा लग रहा था कि मतलब ये हमारे घर की स्टोरी मैम बता रही हैं। जब मैम ने जब भी आप बड़ा आदमी वाली स्टोरी सुनाई मैम ने, तो मैम जैसे उसमें मम्मी थी उसकी, कि उसकी मम्मी उसका हर एक मतलब ध्यान रखती थी, और उसको जो खुद नहीं खाती थी और उसको खिलाती थी बच्चे को, तो उसी से मैंने सोचा कि कहीं मेरी मम्मी भी तो ऐसा नहीं करती कि मेरे लिए ना मतलब मेरे को दे देती हूँ और खुद ना खाती हूँ। इस तरह से फिर मैंने देखना शुरू करा तब से। पहले हम देखते ही नहीं थे कि मम्मी के पास खाना बचा भी है या नहीं बचा है, हम लोग तो बस खाते थे और सो जाते थे अपना। तीन चार महीने पहले की बात है, उस टाइम पर ये घर पे काफ़ी थकी हुई थी, तो आई थी घर पर, तो अपनी मम्मी के लिए पानी लेके जा रही है और खाना के लिए पूछ रही, मम्मी आपने सुबह से कुछ खाया है कि नहीं खाया? बताती हूँ कि हमारे हैप्पीनेस क्लास में बहुत नई नई बातें बताई जाती हैं, जिससे हमारे हमारे खुद के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, और मुझे भी लगा कि मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, मैं ये चेंजेस देख के आपको तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ओपन योर आईज।